हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हमारी जीके मॉरल साइंस की क्लास है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जीके, ऑलराइट। तो बच्चों, जीके में मैं आपको लेसन्स करवा रही हूँ, पढ़ाई करवा रही हूँ, आपको साथ में काम करते चलना है। जितना भी मैम आपको होमवर्क देती, जो भी एक्सरसाइज करवाती हैं, वो आपको कॉपी में टाइम टू टाइम लिखते रहना है। और जब कभी भी आप मेरा वीडियो देखते हैं या किसी भी टीचर का वीडियोस देखते हैं, आप उस समय वीडियोस ही देखा करिए। उस समय आप कोई भी और काम नहीं करेंगे, ना आप खेलते कूदते दिखाई देंगे, ना खाना खाते होंगे, ना ही कुछ शैतानी करेंगे आप लोग। आप सिर्फ अपना कॉन्सेंट्रेट किस में रखेंगे? वीडियोज़ में। अगर आप वीडियोज़ में ध्यान नहीं देंगे, आप ज़्यादा पर अटेंशन नहीं होगा, तो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो समझ में नहीं आएगा। तो इतना छोटा वीडियो होता है, तो उस समय आप सारा काम छोड़ के सिर्फ पढ़ाई लेकर किया कीजिए। और जितनी देर आप पढ़ते हैं, जितनी देर पढ़ाया जाता है, उस समय आप अपनी बुक को साथ में रखा कीजिए। बुक में साथ रख के आप पढ़ेंगे, तो मैम आपको जो भी समझा रही हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं, हम लेसन अपना आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा लेसन है, देखिए, टू सेव पेपर, यानी कि किस तरह से हम पेपर को बचा सकते हैं, यानी कागज़ को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो लेसन है आपका, इसमें तो ऐसा गेम की तरह है कि जिस तरह से जो चार बच्चे हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे कैसे जो काम करते हैं पेपर बचाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इनको पॉइंट दिए गए हैं। और आपको लास्ट में आपको इनके पॉइंट को ऐड करना, बताना है कि कौन सा बच्चा जीता, आपको सिर्फ ये बताना है। तो वो चलिए अलग बात हो गई, लेकिन आपको पता लगेंगे क्या क्या तरीके हैं जिनकी वजह से टेक्निक है जिनकी हम वजह से पेपर को बचा सकते हैं। तो मिलियन ऑफ ट्री आर कट डाउन एवरी ईयर टू मेक पेपर। जैसे कि आप सबको, हमको पता है कि पेपर्स कहाँ से आते हैं। पेपर्स हमारे आते हैं पेड़ से, पौधे हमको पेड़ से मिलते हैं। तो यानी कि हमको कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को हर साल काटना पड़ता है। टू सेव दैम वी कैन रिसाइकिल द वेस्ट पेपर। तो उन पेपर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, उनको दोबारा से इस्तेमाल करके उनको बचा सकते हैं। अब फोर चिल्ड्रन आर शोन बिलो, आपको चार बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दे डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन देयर लाइफ्स। वो अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, अपने रोज़ के मतलब ज़िंदगी ऐसे काम करते हैं। सम पॉइंट्स हैव बीन गिवन टू देयर एक्टिविटीज़, और उनकी एक्टिविटीज़ को कुछ पॉइंट दिए गए हैं। एड और डिडक्ट द पॉइंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्कोर बोर्ड्स टू फाइंड आउट द चाइल्ड हु इज़ द मोस्ट अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट। तो इनके द्वारा जो भी काम किए गए उनके पॉइंट देखिए, और जो उन्होंने गलत काम किया उसको पॉइंट को माइनस किया, और बताइए लास्ट में कि सबसे अच्छा काम किसने किया, सबसे ज़्यादा पॉइंट किसको मिले। अब देखिए, फर्स्ट ये कौन है, टू सेव पेपर अभिनव राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द शीट ऑफ पेपर। अभिनव पेपर बचाने के लिए पेपर के दोनों तरफ लिखता है। राहुल नोज दैट रिसाइकलिंग प्रिवेंट्स वेस्ट एंड रिड्यूसेस एनर्जी यूसेज। राहुल को पता है कि किस तरह से मैं क्या काम करूँगी जिससे कि मैं पेपर का वेस्ट बचा सकूँ, और उनसे दोबारा से पेपर का इस्तेमाल पूरा कर सकें। रोजी नोज दैट द रिप्रोसेसिंग ऑफ ओल्ड मटेरियल्स इंटू न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। रोजी को पता है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको किस तरह से बदल के हम नई चीज़ों में प्राप्त कर सकते हैं। अभिनव वेंट टू अ रिसाइकलिंग यूनिट अलॉन्ग विद हिज फादर टू लर्न हाउ टू रिसाइकिल पेपर एट होम। अभिनव अपने पापा के साथ में जो यूनिट है जहाँ पे पेपर रिसाइकलिंग होती है वहाँ पे जाता है और बहुत सी नई चीज़ें सीखता है। छवि डज नॉट यूज पेपर बैग्स एंड कार्टन्स। छवि क्या करती है, कोई पेपर बैग यूज़ नहीं करती है और ना ही कोई कार्टन वगैरह का इस्तेमाल करती है। तो इसके 3 पॉइंट इसके डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। राहुल री यूजेज गिफ्ट रैपिंग पेपर टू सेव पेपर। राहुल क्या करता है, जिसको बर्थडे में गिफ्ट मिलते हैं उसमें जो पेपर रैप किए होते हैं उनको दोबारा से इस्तेमाल कर लेता है। छवि ऑलवेज यूज़ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड कैलेंडर्स टू कवर हर बुक्स। छवि पुराने अखबारों को, कैलेंडर को अपनी किताबों में चढ़ाती है। रोजी लव्स टू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़ विद हर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो रोजी की आदत है कि अपने पड़ोस से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से खाली पर्यावरण के बारे में ही बात करती है। अभिनव लव्स ड्राइंग एंड पेंटिंग मोस्ट ऑफ टाइम ही ड्रॉज एंड पेंट एट द बैक ऑफ द वेस्ट पेपर। अभिनव को ड्राइंग और पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो किस में करता है, जो पेपर इस्तेमाल हो चुके होते हैं उनके पीछे की साइड में करता है। राहुल सेल्स हिज ओल्ड नोटबुक्स एंड न्यूज़पेपर टू हर रद्दी वाला टू सेंड देम टू द रिसाइकलिंग यूनिट। तो राहुल क्या करता है कि अपनी पुरानी कॉपी किताबें और अखबार को इसको बेचता है, रद्दी वाले को बेचता है, जिससे वो जाके रिसाइकलिंग यूनिट में दे सके। छवि फादर वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर। छवि के पापा कंप्यूटर पर काम करते हैं। शी इंसिस्ट दैट ही टेक्स अ प्रिंट आउट ऑन द सिंगल साइड ऑफ पेपर। वो उनसे कहते हैं कि आप एक ही साइड पेपर में काम मत किया कीजिए, दोनों साइड पेपर में
मतलब वो कहते हैं एक ही साइड पेपर पे काम करते हैं, तो इसलिए उनके कितना क्या होता है 3 पॉइंट डिडक्ट होते हैं, यानी कि माइनस हो जाएंगे उनके पॉइंट। रोजी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट हाउ शी कैन सेव पेपर एज वेल एज ब्यूटीफुल ऑर्डर। तो रोजी की कोशिश होती है कि किस तरह से भी वो कुछ पेपर बचाने के लिए नए नए प्रयास करती रहे, नए नए काम करती रहे, जिससे हमारी पृथ्वी जो है वो सुंदर बनी रहे। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए इतने सारे। इन पॉइंट्स में आपको खाली नॉर्मल है, आपको यहाँ पे इनके पॉइंट्स लिखने हैं बच्चों के, कौन कौन बच्चों ने क्या क्या काम किया वो पॉइंट्स लिखने हैं, उनका टोटल करना है, जिसने गलत किया उसको माइनस करना है, और आपको निकालना है सबसे ज़्यादा अच्छे सबसे ज़्यादा पॉइंट किसको मिले। वो तो आपका बुक का काम हो गया, बट आप कॉपी में कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। कॉपी में एज़ यूजुअल आप पर्सन का नाम टू सेव पेपर आप डालेंगे, और उसमें आप लिखेंगे ने राइट 6 पॉइंट टू सेव पेपर। ठीक है, आपको इनमें से 12 में से कोई आप हेल्प लेके 6 पॉइंट लिखेंगे जिससे कि आप पेपर बचा सकते हैं। आपको वहाँ पे इन ये पॉइंट लिख सकते हैं कि आप बच्चों के नाम नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है कि आई यूज टू न्यूज़पेपर एंड कैलेंडर टू कवर माय बुक्स। आप ऐसे लिखोगे तो आपका एक पॉइंट हो गया। इसी तरह से आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, तो ये आपका होमवर्क है। राइट 6 पॉइंट टू सेव पेपर। ऑलराइट, ये आपका होमवर्क है, आप सबको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ नया सिखाऊंगी, नया पढ़ाऊंगी, तब तक आप अपना ये काम कंप्लीट करके रखिएगा।